जय हिंद दोस्तों, इस ब्लॉग में हम भारतवर्ष के एक शानदार और एक खूबसूरत किले के बारे में जानेंगे, उसे देखेंगे। यह किला जो कभी बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था, अपने आप में ही 1100 से अधिक वर्षों का इतिहास समेटे रखा है। इसने अपने आगे कई राजवंशों और शासकों को आते जाते देखा है, मगर खुद समय समय पर अपने अस्तित्व के लिए समय से लड़ता हुआ आज भी उसी मजबूती और सुदृढ़ता के साथ खड़ा है। दोस्तों, अभी हम हैं आगरा के लाल किला पे, तो चलिए आपके साथ ये आगरा का लाल किला देखा जाए और इसका मतलब इतिहास आपको साथ साथ में बताते चलेंगे। बादलगढ़ किला, जिसे अब हम जानते हैं आगरा का लाल किला के नाम से, यह जो आप गेट देख रहे हैं, यह गेट अमर सिंह गेट कहलाता है। यदि आप लाल किले में द्वार की बात करें तो मुख्यतः दो द्वार हैं, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट। दिल्ली गेट पर्यटकों के लिए बंद होता है क्योंकि वह हिस्सा अभी भी भारतीय सेना के हाथ में है, तो पर्यटक इस अमर सिंह गेट से इस लाल किले में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के लिए आपको तीन गेटों से गुजरना होता है और यह तीन गेट काफ़ी सैन्य रणनीति के अनुसार बनाए गए हैं। यह तीनों गेट एक सीध में नहीं जबकि जिगजैग हैं, ताकि कभी भी दुश्मन का आक्रमण हो तो वह कभी डायरेक्ट इस किले के अंदर प्रवेश न कर पाए। तो दोस्तों, अभी हम हैं आगरा के लाल किला के अंदर और ये फोर्ट है, ताजमहल से सिर्फ 2 किलोमीटर के दरमियान पे ही है, बिजली घर के आगरा के इलाके में ही है। आपको इसमें प्रवेश करने के लिए 50 रुपये का टिकट चाहिए, और क्या 50 रुपये में प्रवेश करके मतलब इस इतिहास, इस खूबसूरत, इस शानदार किले का मज़ा लीजिए। चलिए अंदर आपके साथ चलते हैं, थोड़ा सा इसका देखा जाए कि क्या हिसाब किताब है अंदर से। बाहर से तो काफ़ी लाजवाब और काफ़ी फोर्टिफाइड लग रहा है, फोर्ट है तो फोर्टिफाइड लगेगा ही। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे ही इस किले में प्रवेश करेंगे, आपको गुजरना होता है एक ऐसे गलियारे से जिसकी संरचना कुछ इस तरह बनी है कि उस गलियारे में अगर चू चा की भी आवाज आती है तो वह पूरे किले में सुनाई देती है। इसके पीछे का उद्देश्य यह था कि यदि कभी दुश्मन इस किले में प्रवेश करता है तो उसके घुड़सवारों के चाप की आवाज पूरे किले में सुनाई दे और लोग सतर्क हो जाएं। और इसकी दूसरी खासियत यह है कि यह एक ढलान नुमा संरचना है। ढलान इसलिए क्योंकि अगर दुश्मन इस गलियारे से गुजरे तो ऊपर से इन पर पत्थरों को लुढ़का कर उनकी चटनी बना दी जाए, अगर वह उससे भी बच जाते हैं तो इस नाले से गरम खोलते हुए तेल को उनके रास्तों में बिखेर दिया जाए और उसमें से कुछ जलकर पकौड़े बन जाए। मिला जुला कर यह एक सैन्य रणनीति का हिस्सा थी, ताकि दुश्मन इस किले में आसानी से प्रवेश न कर पाए। चलिए दोस्तों, अब मैं वह बन जाता हूं जो इस किले में प्रवेश करना चाहता है। तो अब तक आपने देखा कि मेरे कुछ साथी चटनी बन गए और कुछ खोलते हुए तेल में पकौड़े, फिर भी उसके बाद कुछ सूरमा बच गए जिसमें से मैं और मेरी कुछ टुकड़ियां इस किले में प्रवेश कर पाई। और हमने जैसे ही प्रवेश किया, उसके दाईं तरफ हमें अकबर
के पुत्र जहांगीर का महल नजर आया। हम उसकी तरफ बढ़ चले और जब हम आगे बढ़े तो हमें एक प्याले नुमा संरचना नजर आई, जो हमें बाद में पता चला या एक प्याला नहीं, एक बाथटब है। इसमें बादशाह नहाया करते थे। ब्रिटिश काल में इसे बाहर कर दिया गया। पहले यह जहांगीर के महल के अंदर था। जहांगीर महल में प्रवेश करने से पूर्व मैंने इसकी दीवारों की सुंदरता और इसकी विशालता और शानदार बनावट की ओर एक नजर डाला तो मैंने देखा कि इसके ऊपरी माले में जो झरोखे जैसी संरचना है वह मूलतः नौबत खाना के तौर पे बनाई गई थी कि जब भी शहंशाह इसमें प्रवेश करें तो नगाड़े और शहनाई से उनकी स्वागत की जाए और यह गूंजती हुई गलियारे में दरबान की आवाज दूर तक गूंजे कि महाराज शहंशाह पधार रहे हैं। यह सब देखते हुए हम प्रवेश कर चले थे जहांगीर महल के मुख्य प्रांगण में और जब हमने एक कोने से इस महल के चारों तरफ दृष्टि डाली तो हमें पता चला कि यह महल का चबूतरा एक रंगमंच और नृत्य के कार्यों में भी प्रयोग किया जाता था। यह जो आप जालीदार झरोखे देख रहे हैं, यहाँ पे राजसी महिलाएं और रानियां बैठकर उस रंगमंच का मजा लेती थीं और छत के ऊपर जो आपको छतरियां नजर आ रही हैं वहां पर राजा बैठा करते थे और नीचे मंत्री। इसके साथ ही ये सारे जो आपको कमरे नजर आ रहे हैं, ये सारे कई कमरे इसमें हरम जैसे हैं जिसमें नौकरानियां और अन्य महिलाएं रहती थीं, जो सेविकाएं और प्रासादिका होती हैं राजा और रानी के लिए वो सब। और एक तरफ रानी का महल था और एक तरफ आप देखेंगे तो आपको एक मंदिर नजर आएगा। सोच रहे होंगे कि कैसे एक मुगल बादशाह के महल में मंदिर कैसे है। पहली बात तो देखिए, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है चौखट पे दरवाजे पे, यह दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का एक नमूना है और यह हम जानते हैं कि इस किले का विनिर्माण 1565 से 1573 के बीच में कराया गया था अकबर द्वारा। लगभग इसमें 1444,000 लोगों ने काम किया था और हम जानते हैं कि अकबर की जो पत्नी हरकाबाई थी, जिसे लोग जोधाबाई कहते हैं, वह हिंदू थी तो उनकी आस्था का सम्मान रखते हुए अकबर ने इस किले में मंदिर बनाने की इजाजत दी थी जहां वह पूजा अर्चना करती थी। इस जानकारियों के साथ हम आगे बढ़े इस किले में और पहुंचे उस बुर्ज में जहां पर शहंशाह शाहजहां को 8 वर्षों के लिए कैद कर दिया गया था और जहां से शहंशाह अपने पत्नी अपने प्यार मुमताज के मकबरे ताजमहल का दीदार किया करते थे, जिसे मुसम्मन बुर्ज कहा जाता है। यह आप जो झरोखा देख रहे हैं यह इस किले की बनावट की एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है, जो इन लोगों को जो आप देख रहे हैं यह आश्चर्य में डाल रही है कि यह कैसे हुआ कि जो झरोखा अंदर से खुला हुआ था बाहर से बंद। इसका मूलतः कारण ये था ताकि हवा अंदर की तरफ जाए मगर कोई बाहर से अंदर देख ना पाए। अब हम इस किले के उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां चीजें अब लाल नहीं सफेद हो चली थी। बहरहाल यह जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है यह है रोशन आरा। यहां से लोग विश्व के सातवें अजूबे
ताजमहल को देख रहे हैं। क्या विडंबना है ना जीवन की, कि जिसे चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, हर व्यक्ति इस विश्व का देखना चाहता है, मगर इसके बनाने वाले शहंशाह शाहजहां को ही इसे सुकून से देखने का मौका कभी नहीं मिला। वह इसी किले से इसका दीदार किया करते थे मुसम्मन बुर्ज से, जैसा मैं बता चुका हूं, क्योंकि वह 8 वर्षों तक इस किले में कैद कर दिए गए थे अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा। है तो दोस्तों यह लाल किला, मगर इसके मध्य भाग में जितनी भी इमारतें बनी हैं, जितनी भी संरचनाएं हैं, वो सारे सफेद संगमरमर से बनी हैं। और हमें पता है कि मुगल स्थापत्य कला में सफेद संगमरमर की उपयोगिता को बढ़ावा बादशाह शाहजहां ने दिया था। शाहजहां ने यहां के कई इमारतों को तोड़कर सफेद संगमरमर से बनी हुई इमारतें बनवाई, जैसे रोशन आरा, दीवाने खास, या जिसे खास महल बोलते हैं, यह जो आप देख रहे हैं, यह शीश महल है। शीश महल जहां पे एक नहाने का भी रानियों का होता था टब, जिसे दीपकों की गर्मी से गर्म किया जाता था। और इसकी दीवारों पे जो शीशे लगे हुए हैं, कहा जाता है कि यह सफेद संगमरमर से भी महंगे उस समय थे। दोस्तों अब हम इस किले के उस क्षेत्र में आ गए हैं जहां पर जहांगीर बैठकर न्याय किया करते थे, और जिस तख्त पे वो बैठा करते थे वह सोने को परखने वाले पत्थर से बना था। यहां तक कि 1857 की क्रांति में एक तोप के गोले ने इस पर एक दरार बनाते हुए जो गोला छटक कर सामने ही सभागार गृह पे लगा, और आज भी वह गोले का छिद्र आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस क्षेत्र से ताजमहल को देखेंगे तो यमुना नदी के जल की वजह से जो ऑप्टिकल इल्यूशन क्रिएट होता है, उससे यह ताजमहल काफी छोटा नजर आता है। ब्रिटिश सेना के बारूद के गोले से जो इस तख्त पे दरार पड़ी थी, उस दरार को आप स्पष्ट अब देख सकते हैं। अब जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र पे कभी मीना बाजार लगाया जाता था। दरबारियों के परिवार यहाँ पे बाजार लगाया करते थे और शाही परिवार के लोग खरीदारी किया करते थे। 1857 में ये जो कमरे आपको नजर आ रहे हैं, इसे ब्रिटिश सेना ने अस्पताल के रूप में उपयोग किया था। मीना बाजार की दूसरी तरफ से जब आप ताजमहल को देखेंगे तो यहां पे उसी ऑप्टिकल इल्यूशन की वजह से ताजमहल आपको काफी बड़ा नजर आता है। दोस्तों यह बात याद रखें कि यह ऑप्टिकल इल्यूशन कैमरे के लेंसेस में कैद नहीं होता, यह आप अपनी आंखों से ही अनुभव कर सकते हैं, और यह मैंने खुद अनुभव किया था। अब हम आ गए हैं इस किले में 3 मस्जिदों में से एक मस्जिद नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद जिसका उपयोग सिर्फ यहाँ की महिलाएं करती थी, मतलब महिलाओं के लिए मुख्यतः यह मस्जिद बनाया गया था। इसके साथ मोती मस्जिद भी है। मोती मस्जिद इसलिए कहते हैं, वो पर्यटकों के लिए बंद है, मैं यह कह रहा था इसे मोती मस्जिद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो व्हाइट संगमरमर का उपयोग किया गया है वह मोतियों की तरह चमकता है। इसके साथ एक शाहजहां का व्यक्तिगत मस्जिद था जिसे मीना मस्जिद कहते हैं।
इसी के साथ दोस्तों अब हम चलते हैं इस किले के आखिरी संरचना या बनावट को देखने, जिसे कहते हैं दीवाने आम। जैसे दीवाने खास था खास लोगों के लिए, राजा और उनके मंत्रियों के बीच जो मीटिंग करनी होती थी, जो वार्ता करनी होती थी, उसके लिए बना था। यह दीवाने आम है जहां पे आम जनता अपना फरियाद, अपनी शिकायतें, अपनी गुहार लेकर शहंशाह के सामने आ सके। तो यहां पे शहंशाह उनकी फरियादों को सुनकर उनका निवारण करते थे। यह भी काफी बड़ा हॉल है और इसमें काफी सारे पिलर्स आप देख सकते हैं, खंभों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं अगली प्रस्तुति पेश करूं तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों अब मुझे जाने की आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।